नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, रात के 11 बज रहे हैं और मैं आपके लिए हाजिर हूँ आपका एएलपी सीबीटीसी का रिजल्ट लेके, जो कि डिक्लेयर हो चुका है, लिंक एक्टिवेट हो गई है। आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पार्ट ए पार्ट बी वाइज मार्क्स का रिजल्ट आया है। रॉ मार्क्स आए हैं, प्रोरेटेड मार्क्स आए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए हैं। पार्ट ए पार्ट बी का पूरा फुल डिटेल आया है, आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है आप लोग के लिए। आपका जो रिजल्ट था वो आ चुका है, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आपका जो जो रिजल्ट था सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर कर दी है आरआरबी ने। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब आपकी। मैं एक एक चीज़ एक एक डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोकेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले न्यूज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दें नए वीडियोस और फ्रेश अपडेट्स के लिए। देखिए, आज मैं आप लोग थोड़ा फास्ट वीडियोस बनाऊंगा कि वीडियोस में बहुत जल्दी मेरे को बतानी सारी बातें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं डाउनलोड कर पा रहे, इसीलिए। तो आइए चलते देखते हैं वीडियो में। पास एक बच्चे का रिजल्ट आया, उसको देख लेते हैं। देखिए, ये बच्चे हैं, इनके देखिए उन्होंने टोटल जो क्वेश्चन किए थे वो 97 की, जिसमें 27 क्वेश्चन के गलत हो गए थे, दो क्वेश्चन इन्होंने इग्नोर किए, 97 वैलिड क्वेश्चन इनके पास थे। तो इनके जो प्रोरेटेड मार्क्स बने हैं वो बचे हैं 51 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 कितने बन गए इनके, 52 मार्क्स बन गए। तो इनका और प्लस इनको जो नॉर्मलाइज मार्क्स मिले हैं वो 67 मार्क्स मिले हैं, यानी कि लगभग लगभग 15 नंबर आप मान सकते हैं इनको नॉर्मलाइजेशन के मिले हैं, जो कि मेरा प्री एक्सपेक्टेशन था। इनकी 23rd की सेकेंड शिफ्ट थी और इनको 15 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर मिले हैं, जो कि हमारे वीडियो में हमने पहले बताया था आपको 15 नंबर के आसपास मिलेगा, वही 15 नंबर देखिए आपको मिला है। तो लगभग हमारी वीडियो की प्रोडक्शन सही गई है। आगे देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट ये इनका पार्ट बी है। पार्ट बी में उन्होंने 74 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है। रॉ मार्क्स जो इनके आ रहे हैं वो 26.66 आ रहे हैं, यानी कि क्वालिफाई हो रहे हैं। प्रोरेटेड मार्क्स 100 में से इनके 27.21 आ रहे हैं, यानी कि क्वालिफाइड दिखा रहे हैं ये। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर नॉर्मलाइज मार्क्स 33.77 मार्क्स आ रहे हैं इनके प्रोरेटेड मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। बात करें इनकी, अगर आप लोग इनके वे फिटर की इन्होंने ट्रेड भरा है, और वहीं अगर आप इनके मार्क्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए थे पहले पारे में, 35 क्वेश्चन के करेक्ट थे, 25 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का इनवैलिड क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद ये रिजल्ट जब आप देखेंगे तो उसमें इनका ये रिजल्ट फिगर निकल के आया, 26.66 नंबर इनके प्रोरेटेड मार्क्स बने हैं। देन आपके 2700 में से बने इनके मार्क्स प्रोरेटेड मार्क्स, और नॉर्मलाइज मार्क्स इतने बने हैं, 33.77 मार्क्स बने हैं नॉर्मलाइज नंबर। बात करें अगर इनके वैसे रिजल्ट की, तो अगर पार्ट ए में इनके 87 मार्क्स आए हैं, 60 नंबर इनके टोटल करेक्ट हैं, 27 नंबर इनके रॉन्ग क्वेश्चन है, दो रॉन्ग क्वेश्चन है, 98 मार्क्स भी इनको मार्क्स मिले हैं। और इनके प्रोरेटेड मार्क्स अगर हम लोग देखें तो ये इनके प्रोरेटेड डाटा शीट 67 नंबर मार्क्स हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है ये जो 33 नंबर है, बिकॉज ये 35 का क्राइटेरिया था, मे बी आई थिंक 35% मार्क्स चाहिए थे मेरे ख्याल से पास होने के लिए। तो मे बी यहाँ डाउटफुल कंडीशन कुछ हो सकती है, मैं बाद में बताता हूँ इसमें वीडियो में। अभी मुझे डाउटफुल हो रहा है, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और चलिए आइए वीडियो में देख लेते आगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आरआरबी भोपाल के जोन पे। फॉर्म में आप लोग यहाँ पर डालेंगे अपना रोल नंबर डालेंगे अगर आप लोग, तो सपोज करिए अगर मैं डाल लॉगिन आईडी बनने के बाद आप लोग यहाँ पर रजिस्टर जब करेंगे, आप लोग रजिस्टर करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके पास खुल के आएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग जब करेंगे, लॉगिन खोलने के बाद या सब आपके पास एक लिंक खुल के आएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कहीं भी भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा लेट स्लो हो रहा है, बिकॉज क्या लोडिंग बहुत ज़्यादा है बच्चों की इस समय। देखिए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने इनका नाम आपका छुपा दिया अभी आपका थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए, आप लोग के पास ऐसा खुल के आएगा, एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बताएगा, प्रोविजनल स्कोर कार्ड बताएगा, प्रोविजनल स्कोर कार्ड मास्टर क्वेश्चन पेपर सब कुछ बताएगा। तो अभी आप लोग अगर पार्ट ए में इनके प्रोविजनल मार्क्स देखें तो वो देख लेते। तो देखिए, इन्होंने जो अटैम्प्ट क्वेश्चन किए हैं वो 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इनके, 60 क्वेश्चन सही हैं, 27 क्वेश्चन गलत हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग कितने हैं इनके, दो जो इन्होंने छोड़ दिए। तो टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने हुए, 98 क्वेश्चन वैलिड हुए।
जिसमें से इनके आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने, 51 क्वेश्चन इनके सही हैं। प्रोडेड मार्क्स कितने हो गए इनके, 52 मार्क्स प्रोडेड मार्क्स हो गए। देन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हो गए, 67.18 मार्क्स। इनकी एग्जाम डेट क्या है, फिटर है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, NCR, 2 NCR, 3 NCR, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें आगे पार्ट बी, तो पार्ट बी में जाने के लिए आपको पार्ट बी में यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। पार्ट बी के मार्क्स भी देख लेते हैं इनके क्या मार्क्स आए हैं। तो पार्ट बी में देखिए, उन्होंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 35 करेक्ट हैं, 25 इनके गलत हैं, एक क्वेश्चन इग्नोर किया है इन्होंने। 74 क्वेश्चन टोटल वैलिड क्वेश्चन हुए, तो इनके जो रॉ मार्क्स बन के आ रहे हैं 26.66 बन के आ रहे हैं। प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स से अगर मार्क्स निकाले तो इनका 27.21 आ रहे हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 33.77। एग्जाम ट्रेड इनकी फिटर है। तो यही था दोस्तों बताने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में अपना ये, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिजल्ट निकाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।